प्रदेश में भी बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा का नाम शामिल रखा है। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव, योगी आदित्यनाथ, हेमंता बिस्वा सरमा का नाम प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हुए ये लोग दिखाई देंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी के अलावा पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी स्टार प्रचारकों में जगह दी गई है। तो अलग अलग राज्यों के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो चुकी है। बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, हर जगह स्ट्रैटेजी तैयार है। और वहीं बीजेपी के साथ ही टीएमसी ने भी पहले चरण के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी कर दिया है। इसमें सबसे पहला नाम सीएम ममता बनर्जी का है। इसके अलावा सुब्रत बख्शी, अभिषेक बनर्जी, सुदीप बंदोपाध्याय, सौगत राय, कल्याण बनर्जी के नाम भी इसमें शामिल है। बैरामपुर से उम्मीदवार बनाए गए यूसुफ पठान को भी स्टार प्रचारकों में जगह दी गई है। हालांकि पार्टी की फायर ब्रांड नेता महुआ मोइत्रा का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, टीएमसी के स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो न्यूज 18 इंडिया के ऊपर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ममता बनर्जी तो आपको चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगी ही, लेकिन ये जो लिस्ट है इसमें 39 और नाम भी हैं। और वही सूत्रों के हवाले से बिहार लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग पर लगभग सहमति बन चुकी है। खबर यह है कि कांग्रेस बिहार में 9 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी। बहुत जल्द उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी की जा सकती है, लेकिन उसके पहले सीट बंटवारे पर आज आरजेडी और कांग्रेस के बीच में एक अहम बैठक होने वाली है। इसमें सीट शेयरिंग पर फाइनल मुहर लग सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, औपचारिक ऐलान अभी इसका बाकी है। एक मीटिंग इसके पहले कि नाम उम्मीदवारों का जाहिर किया जाए आज होनी है। और वहीं एक दिन पहले हुई बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने भी ये साफ कर दिया है कि लेफ्ट, कांग्रेस और आरजेडी मिलकर बिहार में चुनाव लड़ेगी। उन सभी के बीच में लगभग सहमति बन चुकी है। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव का यहां तक कहना है कि सभी को सम्मानजनक सीट इस गठबंधन में दी गई है। तो बड़ी खबर सीट शेयरिंग के ऊपर बात बिहार में अब बन चुकी है। तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट, इनके बीच में न सिर्फ सहमति बनी है बल्कि सम्मानजनक सीटें सभी को दी गई हैं। बात जो है बन चुकी है ना, और एक आध दिन में जो है सारी चीजें हम आपको बता मॉरली वी आग्री, हम लोग अग्रीड हो गए हैं कि लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी पार्टी मिलकर के आगामी चुनाव साथ लड़ेगी। और सीटों की जहां तक बात है, सबको सम्मानजनक सीटें जो है मिल रही है, और जल्द ही इसका ऐलान जो है हम लोग पट्टा चल कर। अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया, क्योंकि पुलिस के लाख समझाने के बावजूद वो लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। वीरेंद्र सचदेवा खुद बैरिकेड पर चढ़े दिखाई दिए। उनकी देखा देखी बीजेपी के कई कार्यकर्ता उस बैरिकेड पर चढ़ गए। उन्होंने एक और बैरिकेड को उखाड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने से पहले पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया। इस दौरान पानी की तेज धार की चपेट में आने की वजह से बैरिकेड पर चढ़े वीरेंद्र सचदेवा गिर गए। हालांकि गनीमत यह रही कि उन्हें बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने संभाल लिया। तस्वीरों में दिखा कि पुलिस की ओर से पानी की बौछार किए जाने के बाद बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने वहां नाचना शुरू कर दिया। यहां वाटर कैनन जो है कुछ समय तक लगातार चलाया गया ताकि लोग तितर-बितर हो जाएं। लेकिन जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें पकड़कर बसों में भरना शुरू कर दिया। हालांकि इस दौरान भी केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी जारी रही। पुलिस ने दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और कई नेताओं समेत बीजेपी के दर्जनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। जबकि दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में मोर्चा खोल दिया। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर विपक्ष के खिलाफ जांच एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप लगाया और प्रधानमंत्री आवास को घेरने की कोशिश की। लेकिन ऐसा किए जाने से पहले पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोक लिया। हालांकि इसके लिए पुलिस को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए और उन्होंने केजरीवाल के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि केजरीवाल को साजिश के तहत गिरफ्तार करवाया गया। उनकी इसलिए जेल में डाला है क्योंकि भाजपा अरविंद केजरीवाल से डरती है।
प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़ने से पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने लाउडस्पीकर के जरिए बताया कि उस इलाके में धारा 144 लागू की गई है, ऐसे में प्रदर्शन कर रहे लोग अगर वहां से नहीं हटे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस स्थान को खाली कर दें। लेकिन जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस वालों ने कई प्रदर्शनकारियों को घसीटते हुए उन्हें बसों में भर दिया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती और पंजाब सरकार के मंत्री हरजोत सिंह बैंस समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। इधर उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बताया गया कि जेल में सजा काट रहे मुख्तार अंसारी ने पेट में तेज दर्द और बेचैनी की शिकायत की थी, और इसी के बाद जेल प्रशासन ने उनको बिना देर किए बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया। पुलिस ने मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने की सूचना उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में उनके परिवार के लोगों को भी दी। पार्लेस गया मोहम्मदाबाद थाने पर कि उनकी हालत। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली कंगना रनौत, करीब एक घंटे तक चली मुलाकात। बीजेपी ने हिमाचल के मंडी से कंगना रनौत को बनाया उम्मीदवार। मुलाकात के बाद कंगना का ट्वीट लिखा, मंडी के विकास के लिए जान लगा दूंगी। ममता बनर्जी पर दिलीप घोष के विवादास्पद बयान पर बीजेपी ने भेजा कारण बताओ नोटिस। पार्टी ने दिलीप घोष के बयान को बताया अशोभनीय और असंसदीय। जेपी नड्डा के निर्देश पर दिलीप घोष से मांगा गया स्पष्टीकरण। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। मोदी, शाह, योगी सहित 40 नेताओं को बनाया गया स्टार प्रचारक। बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश के लिए 3 अलग अलग सूची जारी। बंगाल में बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों के जवाब में टीएमसी ने भी उतारे 40 स्टार प्रचारक। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, यूसुफ पठान और सौगत राय समेत 40 नेता करेंगे धुआंधार प्रचार। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। बांदा मेडिकल कॉलेज के मुताबिक मुख्तार अंसारी को बीते 4-5 दिन से पेट में तकलीफ थी, लेकिन पेट दर्द के साथ जब मुख्तार अंसारी ने बेचैनी की शिकायत की तो सुबह करीब 4 बजे जेल प्रशासन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा था और वहां इमरजेंसी वार्ड में उन्हें भर्ती करा दिया। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने मुख्तार अंसारी की कई तरह की जाँच की। डॉक्टरों ने बताया की 63 साल के मुख्तार अंसारी को रमजान में रोजा रखने की वजह से पेट की परेशानी बढ़ गई। बाद में डॉक्टरों ने उनकी हालत को स्थिर बताया। क्योंकि जेल में बंद मुख्तार अंसारी की तबियत बिगड़ने की खबर मिलते ही बांदा से लेकर गाजीपुर तक हड़कंप मच गया और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी अपने भाई की तबियत बिगड़ने की सूचना मिलने पर बांदा पहुंच गए। अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं और 2019 में उन्होंने बीएसपी की टिकट पर गाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। मुख्तार अंसारी के परिवार ने बांदा जेल प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए।